हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ट्रांसफॉर्मेशन सलून में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हेयर स्पा जो कि लोरियल कंपनी का है। देख सकते हो आप बाल कितने ड्राई है, फ्रिजी है, नरिशिंग जो है बिल्कुल नहीं है हेयर में, और हेयर पे जो है बहुत सारा केमिकल यूज़ हुआ है। तो हम यूज़ करने वाले स्मूदिंग का क्रीम बात। देखिए लोरियल में जो है बहुत सारे हेयर स्पा है, आपको पहले हेयर को चेक करना है, एनालाइज करना है कि उस पर कौन सा हेयर स्पा जाएगा, उसके बाद आपको हेयर स्पा सिलेक्ट करना है। तो मैंने लिया है स्मूदिंग का हेयर स्पा जो कि एम्प्यूल्स के साथ रहेगा। एम्प्यूल जो है हमारे स्कैल्प पे लगेंगे, सेकंड जो है हमारा प्यूरीफाइंग शैम्पू, और जो सीरम जो है आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मैंने लिया है स्ट्रिक कंपनी का। तो ये रहा मेरा स्मूदिंग का क्रीम बाथ जो हम हेयर स्पा में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें हेयर वॉश करना है प्रॉपरली, जो कि हेयर में जो डस्ट है डल है पूरा क्लीन होना चाहिए। क्लीन होने के बाद ही जो हमारा रिजल्ट जो है 100% हमें मिलने वाला है। देखिए शैम्पू करने से पहले पूरे हेयर को गीला कीजिए प्रॉपरली, कहीं पे भी ड्राई नहीं रहना चाहिए हेयर। देखिए मैंने लिया है प्यूरीफाइंग का शैम्पू जो कि हमारे हेयर के सारे क्यूटिकल्स ओपन करेगा। अगर हेयर में ऑयल है तो आप 2 बार कीजिए, अगर ऑयल नहीं है तो आप 1 बार भी कर सकते हो। हेयर स्पा के जो है बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, हेयर को नरिशिंग देता है, नई ग्रोथ आने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो हेयर में कोई डस्ट ना रहे ऐसा वॉश कीजिए प्रॉपरली, डल जो है पूरा क्लीन हो जाए, जो कि रिजल्ट जो है हमारा उसके ऊपर ही डिपेंड है सारा। तो अच्छे से वॉश हो गया हमारा, अब करेंगे हम स्पा का एप्लीकेशन। स्पा का एप्लीकेशन जो है वो रूट पे अलग लगेगा, लेंथ पे अलग लगेगा। रूट पे जो है हमारा एम्प्यूल्स के साथ लगेगा, क्योंकि किसी किसी का स्किन जो होता है वो सेंसिटिव होता है, ड्राई होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए जो है वो एम्प्यूल्स यूज़ होते हैं। तो आप ध्यान रखिए हमेशा रूट पे लगाते समय आप एम्प्यूल्स के साथ लगाइए, वरना क्लाइंट को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होगा, स्किन थोड़ा ड्राई ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो आप पहले कीजिए रूट पे एप्लीकेशन। देखिए मैंने लिया स्मूदिंग का क्रीम बात, उसके साथ मैं ऐड करूँगा एम्प्यूल्स जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ स्कैल्प पे। देखिए विदाउट एम्प्यूल्स आप स्पा मत कीजिए, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, क्लाइंट्स को ड्राई फील होता है स्कैल्प, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं जो कि आप विदाउट एम्प्यूल्स के अगर हेयर स्पा करते हो। तो हेयर स्पा जो है बहुत सारे कंपनी के आते हैं, लोरियल, कैरेटीन, मोरक्कन, नेचुरिका, बहुत सारे कंपनी के हेयर स्पा आते हैं। स्पा में एम्प्यूल्स डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है एम्प्यूल्स को, प्रॉपरली तरीके से वो मिक्स होना चाहिए। और चलिए हम पहले करेंगे स्कैल्प पे जो कि हमने एम्प्यूल्स के साथ लिया है। पहले करेंगे 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे हेयर को। हेयर को डिवाइड करने के बाद हम पहले लगाएंगे रूट पे। देखिए छोटे छोटे सेक्शन से आप रूट पे लगाइए, सारे रूट्स को जो है वो हेयर स्पा क्रीम लगना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा फास्ट किया है क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी मिनट का हो जाएगा। अगर वीडियो काफ़ी मिनट का हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते, तो मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट किया है। चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं रूट पे स्पा का एप्लीकेशन। आप देख सकते हो कैसे मैंने किया है स्टेप बाय स्टेप, आपको भी ऐसे ही करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करोगे तो काफ़ी जो रूट जो है वो छूट जाएंगे। तो एक सेक्शन हो गया हमारा, अभी चलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन भी हम वैसे ही करेंगे, छोटे छोटे सेक्शन लेंगे, बड़े सेक्शन नहीं लेंगे। बड़े सेक्शन लोगे तो कहीं पे जो है वो एरिया छूट जाएगा। तो हम करेंगे प्रॉपरली पहले रूट पे एप्लीकेशन। रूट पे एप्लीकेशन होना ज़रूरी है क्योंकि हमने उसमें एम्प्यूल्स ऐड किए। एम्प्यूल्स ऐड करने की वजह से जो है हमारा स्कैल्प जो है वो बैलेंस हो जाता है, जैसे कि ड्राई हो तो नॉर्मल स्कैल्प पे आ जाता है। वो हो गया ऑलमोस्ट हमारा। चलो एप्लीकेशन रूट पे, हम करेंगे अब लेंथ पे एप्लीकेशन। लेंथ पे एप्लीकेशन करते समय भी आपको छोटे छोटे सेक्शन लेना है, बड़े सेक्शन आपको नहीं लेना है। लीजिए मैंने वापस एक बार लिया है हेयर स्पा। अभी जो है आपको एम्प्यूल्स नहीं ऐड करने क्योंकि हम लगाने वाले हैं लेंथ पे। लेंथ पे जो है हेयर स्पा लगाते समय आपको एम्प्यूल्स की कोई जरूरत नहीं होती, एम्प्यूल्स जो है हमारे स्कैल्प पे काम करते। अगर आपने लेंथ पे लगाते समय भी अगर आपने एम्प्यूल्स ऐड किए तो रिजल्ट जो है हमारा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि एम्प्यूल्स जो है हमारे स्कैल्प पे काम करेंगे। भूल के भी आप जो है एम्प्यूल्स मत यूज़ करना जब आपको हेयर स्पा लेंथ पे लगाना होता है। लीजिए जैसे कि छोटे छोटे सेक्शन से आप, मैं देख सकते हो आप मैंने कैसे सेक्शन निकाल के मैंने एप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं, वैसे ही आपको करना है। कहीं पे भी हेयर नहीं छूटने चाहिए, अगर हेयर कहीं पे भी छूट जाते हैं तो वहाँ जो है वो ड्राई हेयर रह जाएंगे वैसे ही। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही करना है आपको। अगर आपका क्रीम बाथ ज़्यादा ठीक है तो आपको स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्रीम बाथ लगा के हेयर पे थोड़ा सा स्प्रे मार दीजिए। स्प्रे मारने के बाद जो है वो प्रॉपरली मल्सीफाई होगा आपका क्रीम बाथ। देख सकते हो आप मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे ही करना है आपको, 1 बाय 1 करना है। ज़्यादा बड़े सेक्शन नहीं लेने, 2 सेक्शन में हेयर को डिवाइड करके आप 1 बाय 1 कम्प्लीट कीजिए। ऑलमोस्ट देखो हो गया मेरा वो 1 सेक्शन, अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन पे भी सेम प्रोसेस रहेगा, छोटे छोटे सेक्शन रहेंगे, छोटे छोटे सेक्शन से मैं प्रॉपरली उस पर एप्लीकेशन करूँगा। एप्लीकेशन करने के बाद प्रॉपरली मल्सीफाई करूँगा। मल्सीफाई करने के बाद जो है हमारा रिजल्ट
बहुत अच्छा आने वाला है। कहीं पे भी हेयर नहीं छूटने चाहिए, अगर हेयर कहीं पे भी छूट जाते हैं तो हेयर जो है हमारे वही ड्राई दिखेंगे और वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो मेरा एक साइड का एप्लीकेशन हो गया है, अभी मैं ले रहा हूँ दूसरी साइड, दूसरी साइड भी ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने को आया है। छोटे छोटे सेक्शन लीजिए, ज़्यादा बड़े सेक्शन ना लीजिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि हेयर स्पा का जो है वो मेन काम जो है यही है, जो कि आप एप्लीकेशन करते समय गलती करते हो। देखिए आप अगर एप्लीकेशन करते समय आप बड़े बड़े सेक्शन लेते हो, बड़े बड़े सेक्शन की वजह से क्या होता है, हेयर किसी हेयर को स्पा बाद जो है वो नहीं लग पाता प्रॉपरली, और नहीं लगने की वजह से वहाँ के हेयर ज़्यादा ड्राई लगने लगते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। आपको पहले करना है प्रॉपरली हेयर वॉश, जो कि प्योरीफाइंग शैम्पू से होगा। हेयर वॉश करने के बाद आपको करना है एम्प्यूल्स एड स्पा के साथ, और वो लगाना है आपको स्कैल्प पे। स्कैल्प पे लगाने के बाद आपको सिर्फ का बात क्रीम लेना है, बात क्रीम लेके आपको एप्लीकेशन करना है लेंथ पे। लेंथ पे एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो है थोड़ा बहुत मसाज देना है हेड पे, जो कि 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। 10 से 15 मिनट का हेयर मसाज देने के बाद क्लाइंट जो है काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स फील कर लेता है, हैप्पी हो जाता है। तो वो एक है जो हमारा हेयर स्पा में जो मेन काम होता है वो है हेड मसाज देना। हेड मसाज प्रॉपरली दीजिए, क्योंकि क्लाइंट उसी से ज़्यादा खुश हो जाएगा और उससे अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। तो देख सकते हो आप मैं कैसे हेड मसाज कर रहा हूँ। हेड मसाज जो है आपको प्रॉपर करना है। हेड मसाज में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो क्लाइंट जो है वो थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाएगा। आप देख सकते हो प्रॉपरली करना है आपको, 10 से 15 मिनट का हेड मसाज देना है, रिलैक्स होना चाहिए क्लाइंट। और हेड मसाज के भी काफ़ी सारे स्टेप्स है, आपको अगर आपको ये जानने हैं हेड मसाज के स्टेप्स तो आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा। उसके भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हेड में हमारे, तो वो थोड़े से दबाने के बाद क्लाइंट और ज़्यादा फ्री और हैप्पी हो जाता है, तो वो भी जानना ज़रूरी होता है हेड मसाज में। तो अब देख सकते हो मेरा हेड मसाज ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब मैं करने वाला हूँ स्टीम, स्टीम लगाने वाला हूँ। स्टीम लगाने के बाद मैं उनको एक 5 से 10 मिनट का स्टीम लगाऊंगा। ज़्यादा स्टीम ना लगाइए, अगर ज़्यादा स्टीम आप लगाओगे तो स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाएगा। स्कैल्प ड्राई होने की वजह से क्लाइंट को हेयर फॉल या फिर डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं। तो अब स्टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा ऊपर ना दीजिए। उससे ज़्यादा टाइम अगर आप स्टीम दोगे तो स्किन ड्राई होगी, हेयर फॉल शुरू होगा। आप देख सकते हो कैसे मैंने सारा प्रोसेस किया, तो सेम आपको ऐसे ही करना है, कोई चेंज नहीं करना है, आपको सेम प्रोसेस करना है। अगर आप सेम प्रोसेस करते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% आने वाला है। अब देख सकते हो क्लाइंट काफ़ी हैप्पी है। अगर आपको प्रॉपर तरीके का हेयर स्पा करना है प्रोफेशनल तरीके से, तो आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए। स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा आने वाला है। देखिए मेरे 5 मिनट हो चुके, मैं अब करूँगा हेयर को चेक। हेयर को चेक कीजिए, स्टीम निकालने के बाद चेक करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ड्राइनेस गई है कि नहीं। देखिए आप अगर स्टीम निकाल दे हो अभी इंस्टेंट, और इंस्टेंट आप वॉश करते हो, तो क्लाइंट को सर दर्द जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टीम निकालने के बाद 5 मिनट रुकना है। 5 मिनट रुकने के बाद जो है आपको बैक चेयर पे लेकर प्रॉपरली जो है रिंस करना है, सिर्फ पानी से वॉश करना है, बाकी शैम्पू कंडीशनर कुछ नहीं लेना है। पानी से प्रॉपरली वॉश कीजिए, 4 से 5 बार आपको पानी से रिंस करना है। अच्छे से रिंस कीजिए, प्रोडक्ट जो है हमारा वो पूरा क्लीन होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट रह जाता है हेयर में तो क्लाइंट को इचिंग होगा, बाद में डैंड्रफ फेस होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली हेयर वॉश करना है, अच्छे तरीके से प्रॉपरली हमारे फिंगर टिप से अच्छे से वॉश करना है। वॉश होने के बाद आपको हेयर को ड्राई करना है, टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको सीट पर बिठा कर उनको हल्का सीरम लगाना है। देखिए आप गीले हेयर पे सीरम लगाइए, अगर आप ड्राई हेयर पे सीरम लगाते जाओगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो मैंने सीरम ले लिया, सीरम लेने के बाद मैंने वेट हेयर पे सीरम लगा दिया। सीरम लगाने के बाद अच्छे से उसको मल्सीफाई कीजिए, सारे हेयर में उसको लगाइए, कुछ कुछ हेयर नहीं रहने चाहिए, सारे हेयर में सीरम जो है वो लगना चाहिए। आप क्या कीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए हेयर को, और सिंगल सिंगल करके आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने सारे हेयर को एक साथ लगाने की कोशिश की तो मे भी शायद आपके कहीं पे हेयर रह जाएंगे जो कि सीरम न लगा दें। लीजिए मैंने सीरम लगाने के बाद करूँगा मैं ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करते समय आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा हीट नहीं रखना है, थोड़ा सा मीडियम हीट रखना है। मीडियम हीट रखने की वजह से जो है हमारा नरिशिंग जो है हेयर का वो मेंटेन रहेगा। और एक बात याद रखिए, ब्लो ड्राई जो है वो आपका ऊपर से लेके नीचे तक होना चाहिए। मतलब आप जो ब्लो ड्राई करोगे वो ऊपर से कीजिए, नीचे से ना कीजिए। अगर नीचे से ब्लो ड्राई करोगे तो बाल जो है वापस उड़ के फ्रिजी
होने के चांसेस होते हैं। तो देख सकते हो मैं कैसे ब्लो ड्राई कर रहा हूँ। ब्लो ड्राई जो है हमारा वो ऊपर की तरफ है, तो ऐसे ही करना है आपको भी, और कुछ नहीं करना है, सेम स्टेप फॉलो करने। अलग अगर स्टेप कुछ फॉलो करने के लिए जाओगे तो बालों का जो है क्यूटिकल्स वापस होने ओपन होने के चांसेस होते हैं। तो देख सकते हो आप, मैंने ऑलमोस्ट मेरा ब्लो ड्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। और आपको जो ब्लो ड्राई है आपको 100% ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा वेट हेयर रखना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ब्लो ड्राई किया तो हेयर वापस ड्राई होने के चांसेस होते हैं। तो देख सकते हो थोड़ा सा वेट रखिए हेयर को, ज़्यादा 100% ड्राई ना कीजिए, थोड़ा बहुत वेट रखिए, 20% वेट रखिए। और थोड़ा बहुत वेट होने के बाद आप लगाइए सीरम, दो बार सीरम लगाइए, एक वेट हेयर पे और थोड़े से ड्राई होने के बाद। देख सकते हो रिजल्ट कितना अच्छा है, मेरा फिंगर जो है काफ़ी इजीली रिमूव हो रहे हेयर से। मैं कर रहा हूँ अभी पैडल ब्रश, पैडल ब्रश करने से देख सकते हो आप कितने ज़्यादा शाइनी हेयर दिख रहे हैं आपको, एकदम मॉइस्चर हेयर दिख रहे हैं, इजीली एकदम रिमूव हो रहा है पैडल ब्रश। तो सेम आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, तो बहुत ही ईजी तरीका है हेयर स्पा करने का, जो कि आप भी कर सकते हो। तो अगर समझ में आया होगा कि आपको हेयर स्पा कैसे करते तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो और भी ट्रीटमेंट्स है जिसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो आप अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए अलविदा आज के लिए, बस आज इतना ही।